इंडिया वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी कंट्री है, मतलब कि पैसों के मामले में भारत पांचवें नंबर पर रैंक करता है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इंडिया इतना अमीर देश है तो इसमें रहने वाली जनता इतनी गरीब क्यों है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित। 2005 से 2021 के बीच में इंडिया से 415 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले। वहीं अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया को गरीबी की खाई में गिराने की सबसे बड़ी वजह है इंडिया की इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। क्योंकि अभी कुछ महीने पहले यानी कि 24 अप्रैल 2023 को इंडिया चाइना जैसे सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश को पीछे छोड़कर इंडिया खुद दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया। हमारे देश में 28.9 मिलियन गरीब लोग रहते हैं, जिसमें रूरल एरिया में 21.2% और अर्बन एरिया में 5.5% लोग गरीब हैं। सितंबर 29 को नितिन गडकरी, जो कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ऑफ इंडिया के मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा था कि भले ही इंडिया पैसों के मामले में सभी अमीर देशों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर रैंक करता है, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया के लोगों को स्टारवेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड इन्फ्लेशन जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बट ऑन दी अदर हैंड, हमारे देश में 2020 से 22 तक बिलियनर्स की संख्या 102 से बढ़कर 166 हो गई है और वर्ल्ड टॉप 100 रिचेस्ट बिलियनर्स की कंबाइंड वेल्थ 25 बिलियन डॉलर से बढ़कर 800 डॉलर हो गई है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जहां इंडिया की 50% बॉटम पॉपुलेशन ईयरली 53,610 रुपीज अर्न करती है, तो वहीं इंडिया की टॉप 10% पॉपुलेशन बॉटम पॉपुलेशन के कंपेरिजन में 20 गुना ज्यादा अर्न करती है, यानी कि 11,66,520 रुपीज। सी रंग राजन, जो कि एक फॉर्मर RBI गवर्नर हैं, इन्होंने अपने स्पीच में कहा था कि पर कैपिटा GDP के 157 देशों की रैंक में इंडिया 142वें रैंक पर आता है। और इन्होंने ये भी कहा था कि आजादी के 100 साल बाद यानी कि 2047 तक इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए इंडिया की पर कैपिटा GDP 13,000 US डॉलर होनी चाहिए, यानी कि 10.58 लाख रुपीस होनी चाहिए। इन्हीं सब को देखते हुए PM मोदी एक स्टेटमेंट में कहे थे कि आने वाले कुछ सालों में हमारा देश वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी कंट्री बन जाएगा। और पीएम मोदी की ये बात सही भी हो सकती है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़े ऋणदाता बैंक SBI के कुछ इकोनॉमिक्स के एक्सपेक्टेशंस रखे हैं कि अगर इंडिया की इकोनॉमिक रेशियो इसी तरह से इंक्रीज होती रही तो आने वाले कुछ सालों में इंडिया 2027 तक दुनिया का तीसरा ग्लोबल इकोनॉमिक कंट्री बन जाए। इंडिया के गरीब होने का एक और मेजर रीजन ये है इंडिया का PPP यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी। और PPP इंक्रीज होने के अभी रीजंस तो हो सकते हैं कि इंडिया में प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शंस तो हो ही रही है, लेकिन हाई डिमांड और लो सप्लाई की वजह से इंडिया में इन्फ्लेशन आ जा रही है और इसी वजह से इंडिया के कुछ लोग अपने डेली नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। एक डाटा के अकॉर्डिंग 80 मिलियन पीपल पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, जिन्हें दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है और इनकी पर मंथली इनकम रूरल एरिया में 1060 से 1086 रुपए तक होती है। वहीं जहां लोग सिर्फ एक घंटे में 1000 रुपए खर्च कर देते हैं तो इन लोगों के लिए ये एक महीने की कमाई होती है। और अगर हम पॉवर्टी लाइन के नीचे की लोगों का कंपेयर उन लोगों से करें जो पर मंथली 30 से 40 हजार रुपए कमाते हैं, तो इन लोगों को उतना कमाने में नियर अबाउट 641 साल लग सकते हैं। यहाँ तक कि इंडिया में सिर्फ 80% लोगों के पास ही बैंक अकाउंट है और बाकी 20% लोगों के पास तो बैंक अकाउंट है ही नहीं, जिसकी वजह से 191 मिलियन अनबैंक्ड पीपुल कोई भी बेसिक सा लोन लेकर बिजनेस नहीं कर सकते। ऑक्सफैम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के 1% बिलियनर्स के पास इंडिया का 40% से ज्यादा पैसा है, और जबकि इंडिया का 50% पैसा बॉटम पीपुल्स के पास है। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इंडिया में बिलियनर्स की संख्या बढ़ी है, जिसको मैं पहले भी बता चुका हूँ। इकोनॉमिक एक्सपर्ट एंड एजुकेशन बेस्ड स्टडी ये सजेस्ट करती हैं कि यदि किसी देश से अनइक्वालिटी को दूर करना है तो गवर्नमेंट को पब्लिक हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड सोशल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि गवर्नमेंट फ्री एंड हाई क्वालिटी पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कराती है तो पूरे सोसाइटी के लोगों को आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ेगा। और अगर एजुकेशन
एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट करती है तो उस सोसाइटी के लोगों में एक अलग लेवल का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इससे सभी लोग एजुकेट होंगे और फर्दर इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी पाने का सभी को चांस मिलेगा। और अगर गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर पर ज्यादा फोकस करती है तो सोसाइटी के सभी लोगों के पास एक बेटर माइंडसेट स्किल होगा एंड ही हिमसेल्फ वो अपने फ्यूचर को ब्राइट करके खुद की एक लग्जूरियस लाइफ सर्वाइव करेगा। अब आप इन्हीं 5 नॉर्डिक कंट्री को ले लीजिए, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। ये अपने देश से अनइक्वालिटी को दूर करने के लिए सोशल सोलिडेरिटी, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, हायर एक्सपेंडिंग एंड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर पर सबसे ज्यादा फोकस किया। हमारे देश से पॉवर्टी कम करने के लिए इंडिया में जितने भी मिलेनियर्स हैं, अगर गवर्नमेंट उन पर सिर्फ 2% टैक्स इंप्लीमेंट कर देती है तो आने वाले अगले 3 साल तक के मैल्न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए इनफ फंड कलेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि इंडिया से पॉवर्टी हटाने के लिए गवर्नमेंट को किस सेक्टर पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? अपनी ओपिनियन को कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसे और वीडियो देखने के लिए नीचे की सब्सक्राइब बटन दबाना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।